हेलो रोहन, तो आज हम लोग देखेंगे कि हेना स्टेंसिल कैसे यूज़ करते हैं या मेहंदी स्टेंसिल कैसे यूज़ करते हैं। तो आपको दिख रहा है ये इस तरह का स्टेंसिल आता है जो आप फ्रंट हैंड बैक हैंड के लिए यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि इसका पैकेजिंग कैसा है। तो देख सकते हो आप, ये पॉलीथीन के इस तरह के कैरी बैग में आता है एंड देन इस तरह का प्रिंट, इस तरह से उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट लेयर लगा होता है। एंड देन अब आपको जो शेप जहाँ रखना है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कर लेना है, कट कर लेना है, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। और ऐसा नहीं है कि जैसा उसका कटआउट है, जैसा उसका शेप है वैसा ही चाहिए। आप कैसे भी रैंडमली उसका जो वाइट पार्ट है आसपास का वो कट कर दीजिए और मेन डिज़ाइन रहने दीजिए। अब इसके पीछे जो होता है ये वाइट पेपर लगा होता है, आगे ट्रांसपेरेंट होता है और बीच में एक ये ब्लैक स्टेंसिल होता है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो वाइट पेपर है वो रिमूव करेंगे। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि डिज़ाइन कैसे सेट होगा हाथ पे, सो आपको भी ये चेक कर लेना है एंड उसके अकॉर्डिंग फाइनल करना है। फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, ये ब्लैक, ये जो वाइट पेपर है सॉरी, वो रिमूव करेंगे ताकि ट्रांसपेरेंट एंड ब्लैक दोनों एक दूसरे के साथ अटैच रहे। तो वो क्यों, तो आपको आगे दिखेगा। तो बहुत मुश्किल होती है जब कटवर्क वाले इस तरह के पैटर्न होते हैं ये वाइट पेपर रिमूव करना, क्योंकि ब्लैक वाला जो पेपर होता है वो वाइट पेपर पे स्टिक हुआ होता है। तो धीरे धीरे करके आपको उसे क्या करना है, रिमूव करना है। तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा एंड देन आप उसे प्लेस कर दीजिए जहाँ भी आपको प्लेस करना है। जस्ट लाइक अ सेलो टेप जैसे स्टिक करते हैं वैसे ये स्टिक हो जाएगा। तो इस तरीके से लगा लेना है एंड देन ये जो ऊपर आपको ट्रांसपेरेंट लेयर दिख रहा है तो ये हमने क्यों रखा था, तो अभी दिखेगा आपको। इसे आपको क्या करना है, रिमूव करना है। तो इन शॉर्ट क्या होगा, जो ब्लैक स्टेंसिल वाला जो पार्ट था पूरा वो आपके हैंड पे रहेगा और ये ट्रांसपेरेंट लेयर निकल जाएगा। अब जो आपको ये स्किन पार्ट दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है, मेहंदी भरनी है ताकि आपकी मेहंदी पे वो डिज़ाइन आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोन ले लेंगे और थोड़ा मोटा पॉइंट होगा तो भी चलेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, ये ब्लैंक स्पेस भरना है। ओके, सो इस तरीके से आपको क्या करना है, भर लेना है एंड सारे शेप्स को कवर कर लेना है। कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए, अगर वो छूटा तो वहाँ पर कलर नहीं आएगा। ओके, शेडिंग वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि वो बहुत फटने जैसा हो जाता है, तो अच्छे से पतला पतला करिए वहाँ पे। एंड आप डायरेक्टली इसमें ज़रूरी नहीं यही वाला है ना यूज़ कर सकते हैं, आपको रेड है ना यूज़ करना है, ब्लैक है ना यूज़ करना है, तो आप उसका यूज़ करके भी ये स्टेंसिल से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो कोई भी है ना आप यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पूरा कवर होने के बाद वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसे थोड़ी देर ड्राई होने दीजिए, मुझे मेरे हाथ पर मेहंदी रखना पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं रखा, हल्का सा ड्राई होने दिया। एंड देन आपको क्या करना है, स्टेंसिल रिमूव करना है। तो ड्राई होगा तो आपको रिमूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो फटेगा तो कोई इशू नहीं है। मेरे हाथ पे अभी भी गीली है क्योंकि मुझे ज़्यादा देर अपने हाथ पे रखना नहीं था, बट आप देख सकते हो कि जो डिज़ाइन था वो वैसा का वैसा ही क्या हो रहा है, हाथ पे आ जाता है। सो आप थोड़ा ड्राई होने दीजिएगा 10-15 मिनट, उसके बाद रिमूव करिएगा। मैंने 2 मिनट बाद ही फ़ैन ऑन करके थोड़ा सुखा दिया था एंड देन आप देख सकते हो कि कैसा दिख रहा है। ओके, सारी डिज़ाइन आ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आप देख सकते हो, और ये वन टाइम यूज़ के लिए ही है स्टेंसिल, तो फटता है तो फटने दो एंड देन थ्रो कर लो। तो ये ऐसे लोगों के लिए है जो कहीं बाहर नहीं जा पाते मेहंदी लगवाने के लिए, और मेहंदी लगाना भी पसंद है, ओकेजन है कुछ तो लगवाना ही है, तो ये ऐसे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।